असलम जी वेलकम बैक क्या हाल चाल है कैसे हैं आप सब दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो आज मैंने ये टास्क करना था कि मैंने आज सारी रीफिलिंग करनी थी चीज़ों को थोड़ा सा मैंने अरेंज करना था तो आप डेली थोड़े थोड़े काम करते रहे ना एक तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है दूसरा ये कि आप थकते भी नहीं हैं आपका घर भी बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है ऑर्गेनाइज हो जाता है और ये है कि मैं तो इस तरह के कामों में बिजी रहती हूँ ना मेरा माइंड बिज़ी रहता है तो फिर फजूल ख्याल और सोचें और ये भी नहीं आती हैं लेकिन ख़ैर मैंने सारी चीज़ें निकाल के और इनको मैंने सेट करना था अच्छा इससे एक ये चीज़ होती है कि बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाता है जब आप नेक्स्ट टाइम ग्रॉसरी करने जाते हैं या ग्रॉसरी मंगवाते हैं या चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है तो आपका रिस्क बिल्कुल ज़ाया नहीं होता और ग्रॉसरी करने जाएँ तो आपका बजट भी इफ़ेक्ट नहीं होता तो मैंने अब ये सोचा आज के मैं जितनी भी चीज़ें हैं ना इनको देख लेती हूँ और उसके बाद इनको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ अच्छा मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा अच्छा लगता है आजकल तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी हुआ है और दिल भी जा रहा है कि मैं फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र्स बहुत सारे ले लूँ लेकिन खैर यहाँ पर मैं देखती हूँ अब क्या करना है दिल मेरा खैर बहुत जा रहा है अच्छा ये बॉक्स में ले आई थी ये मैंने बॉयल करने के लिए ना दूसरे वाले राइस लिए थे कि चलो और कुछ नहीं होता तो बॉयल तो ये खाए जाते हैं ना बॉयल करके बड़े अच्छे लगते हैं कभी आप सालन डाल लें दाल डाल लें इस तरह से तो अच्छे लगते हैं और ये थोड़े से मुझे सस्ते भी मिल गए थे ऑफर में लगे हुए थे तो अब ये इतना बड़ा डब्बा रखा हुआ था और यहाँ पे स्टोरेज भी छोटी होती है घर में इतनी ज़्यादा उस तरह से जगह नहीं होती है यहाँ पे तो मैंने कहा बॉक्स को अब मैं बस फेंक दूँगी और मेरे पास कोई कंटेनर नहीं था एक ही कंटेनर है तो इसमें मैं दूसरा जो पुलाव वगैरह बनाती हूँ बिरयानी बनाती हूँ तो वो वाले राइस रखूँगी फिर मैंने जिप लॉक बैग लिया और इसमें मैंने इस तरह से राइस डाल दिए और इसमें ये होता है कि एयर नहीं आती है ना कुछ और आता है तो चीज़ें सेफ़ रहती हैं और ये थोड़े से राइस पिछले वाले बचे हुए थे इनको मैंने मिक्स नहीं किया क्योंकि फिर राइस ख़राब हो जाए तो रोला पड़ जाता है घर में तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको मैं सेपरेट कुछ बना लूँगी या बॉयल कर लूँगी अच्छा ये वाले जो है ना ये मैं बिरयानी के लिए पुलाव के लिए यूज़ करती हूँ तो इनको भी मैं कंटेनर में डाल दूँगी और ये भी अभी मैं सारे सेट करके रख दूँगी तो ये अब देखें ना इतनी सारी चीज़ें बिखरी हुई रखी हुई थी और इनको मैनेज कर लिया मुझे आइडिया भी हो गया कि बस ये मैं कमिंग डेज़ में बना लूँगी और बाकी फिर जो ये वाले राइस हैं जो ज़्यादा वाले हैं तो ये तो फिर चलते ही रहते हैं और माशाल्लाह से वैसे भी हमारे घर में राइस थोड़े से बनते हैं आप दो चार दिन जो है ना वो रोटी खाओ फिर आपका दिल चाहता है आज राइस बनाए या फिर हर तीसरे चौथे दिन भी दिल चाहता है कि बनाए तो खैर ये मैंने रिफ़िल कर लिए हैं और इसको भी मैं अभी रख दूंगी और उसके साथ मैंने अभी जो जिप लॉक बैग्स में डाल के रखे हैं तो ये भी मैं इनशाला बना लूँगी लेकिन ये है कि अब मेरे स्टोरेज में ना जगह काफी ज्यादा खाली हो गई है और दूसरा ये है कि अब मुझे आइडिया भी हो गया कि अच्छा ये इतने दिन चल जाएंगे या इस मंथ में ये चल जाएंगे अब जी आटा भी मैंने रिफिल करना था यहाँ पे और आटा जो है ना ये भी ऑफर में लगा था माह रमजान में तो ये मैं लेकर आई थी तो ये अब देखें ये भी दो दो पैक्स रखे हुए थे और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि आधा इधर हो आधा उधर हो और जगह भी इतनी ज़्यादा आपकी फुल होती है स्टोरेज में तो ये भी अभी रिफ़िल करके और इसको भी मैं रख दूँगी और अभी मैंने आटा गूंदना भी था तो मैंने कहा चलो वो भी मैं साथ, -साथ कर लेती हूँ अच्छा इस तरह से आप जब करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है इतना रिलैक्सिंग फील होता है ना आप थकते हैं नो no डाउट लेकिन जब आपको एंड रिजल्ट मिलता है ना आपका दिल खुश हो जाता है और ये मैंने कल बीन्स बनाए थे तो बस मैं काम करते करते भागते दौड़ते ऐसे ये भी खा रही थी ताकि फिर ये होता है कि आप थोड़ा सा फुल रहते हैं फिर आपको भूख लगे तो फिर आप उठ पटांग नहीं खाते हैं तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ उस्मान को मैंने दे दिए थे ख़ुद मैंने बस ऐसे ही भागते दौड़ते खा लिए थे अच्छा उसके बाद मैं सूजी लेकर आई थी और इस बार मैं गलती से ये फ़ाइन वाली सूजी लेकर आ गई एक्चुअली ये मैंने कभी यूज़ नहीं की और ये जब मैं लेकर आई थी तो मुझे कमेंट आया था कि ये वाली अच्छी नहीं होती तो खैर अब ले आई थी मुझसे स्लिप भी इसकी मिसप्लेस हो गई थी मैंने कहा चलो देख लूंगी या फिर रेसिपीज़ में यूज़ कर लूंगी वैसे ज़्यादातर मेरे घर में सूजी का हलवा बहुत बनता है तो अब ये वाले जो कंटेनर्स है ना मैं अभी देख रही थी कि कौन कौन से खाली होने वाले हैं कौन कौन से मैंने वॉश करके रखे थे और बहुत सारे मैंने कल भी वॉश करके रख दिए थे अभी ड्राई हो गए थे तो उनको भी मैं रीफ़िल कर लूँगी तो सूची खैर ये मैं बना के देखूंगी देखते हैं कैसा इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहता है ये वाले सारे कंटेनर्स मैंने कल वॉश किए थे तो पूरा एक दिन दिया इनको मैंने बस ये ड्राई हो गए अच्छी तरह से अब उसके बाद मैं इनको भी रीफिल कर लूँगी अच्छा मुझे कल इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि आप चने जो है ना वो कौन से यूज़ करती हैं अच्छा चने में यहाँ पे दो तीन कम्पनीज के यूज़ करती हूँ एजटा से इजीली मिल जाते हैं होम बार्गेन से भी मिल जाते हैं तो मुझे जो भी मिलते हैं मैं इस तरह ले लेती हूँ दो तीन कंपनीज हैं जिनके बहुत अच्छे होते हैं और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और ये वाले मैं इस बार लेकर आई हूँ ये मैं एजटा से लेकर आई हूँ और चने मेरे घर माशाला से बहुत बनते हैं तो चने तो आप मेरे व्लाग्स में देखते ही हैं तो ये भी अभी जो है ना मैं इसको भी रिफ़िल करके और किचन में रख लूँगी उसके बाद दालें मैंने सारी निकाली कि कौन कौन सी रखी हुई है कौन कौन सी बस मैं खत्म कर दूं अभी और ये भी सारे अभी मैं रिफिल कर लूंगी नाश्ते में मोस्टली मैं और उस्मान ओट्स खाते हैं वीक में हम तीन से चार दिन तो मस्त खाते हैं फिर एक आध दिन रोटी बन जाती है एक आध दिन या एक दो दिन ब्रेड होती है इस तरह से तो ये है कि ओट्स को भी मैंने अब रिफिल कर लिया अच्छा वेदर यहाँ पे चेंज हो गया है ना सर्दियों में मेरे किचन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लेकिन यह कि अभी वेदर ज़रा चेंज हो रहा है तो इन चीज़ों को इसलिए अब मैं किचन में ही रख लूँगी अदरवाइज यहाँ पर मैं नहीं रखती मैं ये सारी चीज़ें स्टोरेज में रखती हूँ और फिर डेली वहाँ से लेकर आती हूँ और फिर मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ये कमेंट्स आते हैं कि मरियम आप किस तरह से रखती हैं या स्टोर करती हैं तो बस इस घर में वेदर पर डिपेंड करती हैं चीज़ें अच्छा ये मैं बीन्स लेकर आई थी और ये गलती से लेकर आई थी बस ये भी अब मैंने कहा कंटेनर खाली करूं बीन्स जो बनाए थे वो ख़त्म हो गए हमने दो दिन खा लिए जो किडनी बीन्स बनाए थे तो ये भी मैं बस भिगो रही हूँ इसको कल बना लूँगी और ये भी हम खा लेंगे अच्छा उसके अलावा चने की दाल जो है ना ये भी पैकेट ओपन था तो ये भी मैंने निकाल लिया एक तो मैं आज बनाऊँगी जो कि मैंने भिगो के रखी थी सुबह को और दूसरा ये है कि मैं सोच रही थी इसके मैं कबाब भी बना लूँ थोड़ा सा फ्रीज़र खाली कर लूँ ना ताकि जगह थोड़ी सी बन जाए तो फिर कबाब इनशाला बनाऊंगी दाल मैंने सुबह को भिगो दी थी तो अभी इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया नमक डाल के और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन निकाला इसमें अदरक लहसन का पेस्ट डाला और आज मैं बनाऊंगी दाल लेकिन इसको मैं चिकन के साथ बनाऊंगी अच्छा ये वाली जो दाल बनती है ना ये बहुत मज़े की बनती है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी तो मैंने अदरक लहसन के साथ अच्छी तरह से इसको यहाँ पर फ्राई कर लिया और उसके बाद मैंने जो सालन का मसाला मैं बनाती हूँ काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अभी मैंने इन बनाना भी है कमिंग डेज़ में क्योंकि ये आलमोस्ट बस ख़त्म हो गया है उसके बाद मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए गर्म मसाला एंड में डालती हूँ क्योंकि उससे दाल का कलर ख़राब हो जाता है उसके अलावा सारे बेसिक मसाले डाल के और इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लूँगी भून लूँगी और मैं मसाले अगर सालन का मसाला डालूँ तो थोड़े से पहले डाल देती हूँ ऑयल में वो फ्राई हो जाते हैं ना तो उनका टेस्ट फिर बड़ा अच्छा आता है कच्चा कच्चा सा टेस्ट नहीं आता और इतनी देर में ये भी मेल्ट हो जाएगा जो करी ग्रेवी मसाला है तो बस ये अच्छी तरह से मैं भून लूँगी और दाल जो है ना वो यहाँ पे चने दाल बहुत जल्दी गल जाते हैं अगर आपने भिगो के रखे हुए हो या हल्के से बॉयल भी कर लें फ़ौर गल जाते हैं और मैं थोड़ी सी जरा सॉफ़्ट स्टाइल में बनाऊँगी तो ये देखें बस इसके बाद मैंने इसको डाल दिया इसमें थोड़ा सा भून के और फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी ये वाली दाल उस्मान को बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है मुझे खैर सारी दालें अच्छी लगती हैं लेकिन ये वाली स्पेशली उस्मान को बहुत अच्छी लगती है तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेती हूँ और वो भी खुश हो जाते हैं तो ये देखें बस ये गर्म पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया अब उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दूँगी और एंड में मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्चें उसके साथ थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करती हूँ चने की दाल में मैं मस्ट ऐड करती हूँ इसके साथ इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है और मैं इसमें धनिया भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको पाँच एक मिनट के लिए ना दम पे रख दूँगी तो कसूरी मेथी हमेशा मैं बिल्कुल एंड पे ऐड करती हूँ अदरवाइज़ ये है कि थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है तो एंड में जो आप डालते हैं ना उससे टेस्ट भी ख़राब नहीं होता दाल का और जो कसूरी मेथी का अपना फ्लेवर आता है ना वो भी अच्छा आता है कड़वाहट नहीं आती है अच्छा एंड में मैं इसमें फिर गर्म मसाला भी ऐड करती हूँ उससे भी कलर ख़राब नहीं होता और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है आज मेरा दिन काफ़ी बिज़ी गुज़रा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो गई मतलब कि इस मंथ की सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने सारी आ, क्लीन कर ली साफ़ कर ली अरेंज कर ली सारी रीफिलिंग हो गई आई एम वेरी हैप्पी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम हो गए और ये देखें जी दाल कितने मज़े की रेडी हुई है अच्छा अगर आप ऑयल घी ज़्यादा खाते हो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन हम लोग इतना खाते नहीं हैं हमें ऐसे ही ये बहुत मज़े की लगती है इसके साथ मैंने सेलेड बना लिया था और साथ मैंने अचार भी निकाल लिया था अचार मैं फ्रिज में रखती हूँ थोड़ा थोड़ा मैं बॉटल में निकालती हूँ अदरवाइज़ इसका भी टेस्ट जो है ना वो चेंज होने लग जाता है कुछ दिन के बाद तो मैं सारा नहीं निकालती और ये है जी आ, मेरा पोर्शन मैंने कही अभी मैं आपको दिखा दूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अपना ख्याल रखिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इन शाह कल मिलते हैं अल्लाह हाफिज़